नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नेहरू नगर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं का जमकर आक्रोश देखने को मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। पूछने पर भाजपा कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया था वह ट्वीट पूरी तरीके से झूठी है, एडिटिंग की गई हुई है। आशुतोष तिवारी, आपने आज यहाँ पुतला दहन किया दिग्विजय सिंह का, क्या कारण रहा दहन के पीछे? क्या असल में कि दिग्विजय सिंह जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ऑडियो वीडियो जो माननीय दिग्विजय शिवराज सिंह चौहान जी का किया था, उन्होंने अपनी ट्वीट किया है उन्होंने अपने उस पर ट्विटर पे, तो उसको एडिटिंग करके किया गया। कहीं अधिकारी को डांट रहे थे वो कि पूरे समाज को मैं शराब पी के गिरा दिया है, पूरे उसको फैले हुए गिरे पड़े हैं लोग, माहौल बना खराब। ये जो एडिटिंग आई है ये कहीं और की एडिटिंग वाइड थी, उसको इन्होंने अपने ट्विटर पर डाल के उसको जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, जनता को, शासन को, प्रशासन को, सबको गुमराह करने का प्रयास किया है। और इतने बड़े आदमी दिग्विजय सिंह दो बार के मुख्यमंत्री रहे, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं कांग्रेस के, उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? उनको इस टाइप की हरकत करने की ज़रूरत क्या है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, या तो दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता ख़राब हो गई है, क्योंकि लोकप्रियता ख़त्म होती जा रही दिख रही है, इसलिए अब बौखलान लगे हैं कि कैसे शिवराज जी की लोकप्रियता को धूमिल किया जाए और जनता के बीच में गलत मैसेज जाए। ये ठीक नहीं है राजनीति के इस परिदृश्य में, और ये जो उन्होंने किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना आक्रोश स्वरूप उनका पुतला दहन किया। तो ये इसके पीछे कारण क्या रहा है कि ये, या इसको बोल सकते हैं कि जो अब उपचुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में? हाँ, वो कुछ ना कुछ नया फतुका छोड़ते हैं, उनकी आदत में है। कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे ऐसा लगे कि बिल्कुल सत्य कर रहे हैं, और कांग्रेस की तो पुरानी आदत है झूठ बोलने की। झूठ बोलना तो कांग्रेस का पहले से ही सिद्धांत है, वो तो कि ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो जिससे समाज जो है ना गुमराह हो जाता है। कई लोग अनपढ़ हैं, कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कई लोग थोड़ा सा कम ध्यान दे पाते हैं राजनीति के बारे में, जानते नहीं, तो ये लोग उनको गुमराह कर देते हैं, वो उनको गुमराह करके अपना काम निकाल लेते हैं।